शासकीय अस्पतालों के बाह्य मूल्यांकन के लिए गठित सरगुजा संभाग के कायाकल्पी टीम ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र डोमन हिल का निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश जैन के नेतृत्व में कायाकल्पी टीम ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र डोमन हिल के ओपीडी आईपीडी प्रसूता गृह बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपाउंड का सूक्ष्म निरीक्षण किया और हॉस्पिटल की स्वच्छता व व्यवस्था को संतोषजनक बताया। आपको बता दें कि राज्य शासन की इस कायाकल्प योजना के तहत सरकार द्वारा संचालित सभी प्राथमिक सामुदायिक व शहरी अस्पतालों का निरीक्षण करके जिला स्तर पर उनका रैंक निर्धारित किया जा रहा है। रैंक तालिका में 70% से ज्यादा अंक लाने वाले अस्पताल को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। राज्य नोडल अधिकारी हूँ सचिनालय स्वास्थ्य विभाग से। अभी ना एक्चुअली कायाकल्प करके एक प्रोसेस होता है, अस्पतालों को स्वच्छ रखने का एक प्रोसेस है। पिछले 4 सालों से 2015 से ये चल रहा है। इस कायाकल्प में एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी आयोजित की जाती है कि अस्पतालों को कौन कितना अच्छा स्वच्छ रखता है, कितनी अच्छी सुविधाएँ देता है, कितने नियमों का वहाँ पालन करता है, कितने अच्छे आईसी मटेरियल लगाता है, स्टाफ कितना ट्रेंड है, इस तरह की सब चीज़ों को देखने में हम असेसमेंट करते हैं, मतलब कि किस तरह का होता है कल। और ये हर साल हम करते हैं। इस साल भी हम कायाकल्प के लिए, मैं सरगुजा जोन के लिए आया हुआ हूँ। सरगुजा के, जसपुर के, सूरजपुर के, अंबिकापुर के, कोरिया के इन इलाकों में मैं देख रहा हूँ अस्पतालों को। तो एक तरह के विभाग की ओर से एक रूटीन का प्रोसेस है जिसको हम कर रहे हैं। आज क्या पाया हॉस्पिटल में? नहीं, अभी तो मैं अस्पताल का ऑब्जर्वेशन किया हूँ कि एक अर्बन सेंटर को मुझे जिम्मेदारी मिली है कि देखना है। वैसे कई तरह के रूरल सेंटर भी देख रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी देख रहे हैं। तो अभी तो एक प्रोसेस चल रही है कि आज हम शाम को लगभग, अभी टाइम हो रहा है, हम लोग 6 बजे के आसपास देखने आए हैं इस अस्पताल को कि इस अस्पताल में लोग हैं कि नहीं, मरीज हैं कि नहीं, और मरीज हैं तो वो कितनी साफ सुथरा सुविधाएँ ले रहे हैं, और ये सब चीज़ों का प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस में एक से डेढ़ घंटा लग जाता है। उस प्रोसेस के बाद ही हम इस रिपोर्ट को, एक फॉर्म होता है जिसमें लगभग नंबर होते हैं, उसमें हमको डालना पड़ता है।